ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। নজর রাখবো পরের খবরে। মুম্বাইয়ে আর্থার রোড জেলে করোনা সংক্রমণ। টেলিফোনে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় সিং। মৃত্যুঞ্জয়, আপডেট কি আছে? ये देखिए, बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ये जो खबर है ये मुंबई के आर्थर रोड जेल की खबर है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 72 कैदियों को कोरोना संक्रमण हुआ है और इसके अलावा 7 जो जेल के कर्मचारी हैं उनको कोरोना संक्रमण हुआ है। दरअसल कुछ दिनों पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल पूछा था महाराष्ट्र सरकार से कि क्या जेल के कैदियों को भी कोरोना संक्रमण है, वहां पर क्या स्थिति है, जिसके बाद 200 लोगों का टेस्ट कराया गया था। इन 200 लोगों में से 72 कैदी और 7 जेल के कर्मचारी, इस प्रकार से 79 लोगों का कोरोना पॉजिटिव आया है। और इन सभी को, चूंकि ये कैदी हैं, अंडर ट्रायल कैदी हैं, इनको सुरक्षा निगरानी में और पुलिस बंदोबस्त के बीच कल सुबह 2 अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा। मुंबई के जीटी अस्पताल में और मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। आपको बता दें कि मुंबई का आर्थर रोड जेल बहुत हाई प्रोफाइल जेल है। इस जेल की क्षमता 800 कैदियों की है, लेकिन यहाँ जेल में 2000 से अधिक कैदी रखे गए हैं। और आपको बता दें कि जब कोरोना संकट की शुरुआत हुई थी तब महाराष्ट्र सरकार ने पूरे महाराष्ट्र भर से 11 कैदियों को जमानत पर छोड़ दिया था, लेकिन इस जेल में संख्या अभी भी कैदियों की बहुत ज्यादा है और ये बहुत चिंता की बात है कि 72 कैदियों को कोरोना का संक्रमण हुआ है। जी शुक्रिया मृत्युंजय।